अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आज 10वीं मुहर्रम है, जिसको हम द डे ऑफ अशूरा भी कहते हैं। तो इस वक्त मैं आपको दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि इस दिन, आज के दिन यानी 10वीं मुहर्रम के दिन मुसलमान क्या क्या करते हैं और 10वीं मुहर्रम को हुआ क्या था। 10वीं मुहर्रम यौम अशूरा के तौर पे जाना जाता है, जिस दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला की जंग में शहीद हुए थे। शिया मुसलमान ये दिन सोग में गुजारते हैं और जो सुन्नी मुसलमान हैं वो इस दिन रोज़े रखते हैं। मुहर्रम के पहले 10 दिनों के दौरान जो शिया बिरादरी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो काला लिबास पहनते हैं और अपने प्यारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वफ़ात और उनके ख़ानदान हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के सोग मनाने के लिए सड़कों पर जुलूस में शामिल होते हैं। तो गाइज़, अभी हम लोग सबील बना रहे हैं, ये हमारी तरफ से छोटी सी नियाज है हज़रत इमाम हुसैन के लिए। तो गाइज़, सबील बनाना बहुत आसान था। इसके लिए हमने पानी, चीनी, शक्कर, कोक, रू अफ़ज़ा और बेसन सीड इस्तेमाल किए और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत अच्छी लगी। सबील के साथ साथ हमने चावल भी नियाज में तकसीम किए और मैं और मेरी कज़न अपनी नानों की हेल्प कर रही हैं चावल पैक करने में। तो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मैंने नियाज दी, क्योंकि पहले कभी मैं इधर मुहर्रम के दिनों में नहीं थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को बहुत खुशी मिली। हम सारे कज़न्स एक साथ इकट्ठे होकर सबको चावल और पानी दे रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। नानों की हेल्प करने के बाद मैं और मेरी कज़न्स चावल के बॉक्सेस को असेंबल कर रहे थे ताकि हम लोग इसको इजीली बाहर लेके जा सकें और इजीली हम लोगों में बांट भी सकें। तो बॉक्सेस असेंबल करने के बाद मैं, मेरी बहन और मेरी कज़न आसपास के घरों में चावल देने गए थे। जब तक हम घर वापस आए, मेरे कज़न्स पानी वगैरह और चावल वगैरह बाहर ले आ चुके थे और ऑलरेडी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। तो स्टार्टिंग में इतनी रश नहीं थी, बट आस्ते आस्ते काफ़ी लोग आना स्टार्ट हो चुके थे। बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी, बट फिर भी हम कज़न्स ने आपस में मिलके नियाज को अच्छे तरीके से तकसीम करा दिया था। तो शाम हो चुकी है और मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करूँगी। अल्लाह ताला हम सब के नियाज कबूल करे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा नए नए अमेजिंग व्लॉग्स और वीडियोस के लिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।